हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीतू शर्मा अपने चैनल नीतू का ढाबा यमी डिशेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई नई रेसिपीज का अपडेट मिलता रहे। आज हम बनाएंगे मखाने का रायता। हाँ जी, मखाने का रायता। ये बिल्कुल ही अलग रायता है, लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट से। ये है एक कटोरी दही, मखाना, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और धनिया। हमें शुरू करना है मखानों को भूनने से। मखानों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। हमें मखानों को भूनते टाइम पे कोई भी घी या तेल नहीं डालना है। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। आंच आप कम ही रखिए और सुनहरा होने तक इन्हें भूनिए। मखानों को मैंने इसमें थोड़ा सा कूट लिया है। आप चाहे तो इसमें कूटिए, चाहे तो जिप लॉक पाउच में डाल के बेलन से बेल दीजिए, या मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मगर मिक्सी में करते हुए आप ये ख्याल रखिए कि उन्हें आपको चूरा नहीं करना है, हमें दरदरा ही चाहिए। दही को हम फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद कुटे हुए मखाने इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। एक एक करके सब मसाले डालिए। भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और कटा हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे हम सर्विंग बोल में निकाल देते हैं। ये लीजिए, हमने इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, हींग जीरा लाल मिर्च का तड़का, बट मुझे ऐसे ही पसंद है। ये रायता पुलाव बिरयानी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाने के बाद इसे तुरंत सर्व कीजिए। चाहे अगर आप इसे बाद में खाना चाहें तो बस ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। उसमें आप थोड़ा सा पानी या दूध मिला दीजिए और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। दीजिए, तैयार है यमी यमी रायता। थैंक यू।